दोस्तों वर्ल्ड कप 2030 को जो है अब 2 महीने से कम का वक्त बचा हुआ है और ऐसे में जो है भारत मेज़बानी करने वाला इस वर्ल्ड कप की। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो 5 ऐसी टीमें जो कि भारत के लिए बन सकती है इस वर्ल्ड कप में खतरा, यानी कि वो बहुत ही स्ट्रांगेस्ट है अगेंस्ट द भारत, वो हरा भी सकती है भारत को। अब वैसे तो मैं भारत को ही सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि जल्दी हमें आज़ाद करने हैं। अब यहाँ पर 500 भी नहीं हो रहे लेकिन फिर भी आप गए तो सही, बूंद बूंद से अगर बढ़ता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए क्योंकि वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, नंबर 5 टीम की बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं नंबर 5 टीम की बात करूं तो वो है साउथ अफ्रीकन टीम। अब साउथ अफ्रीकन टीम क्यों? क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक टीम है, उनके पास मिलर, डिकॉक, मार्करम जैसे खतरनाक बैट्समैन मौजूद है। और स्पेशली मैं अगर आपको बता दूं एक फैक्ट की बात, तो डेविड मिलर हो, क्विंटन डिकॉक हो, या फिर चाहे आप मान लीजिए हेनरी क्लाजन हो, ऐसे जो बैट्समैन है ना वो इंडिया में आके बहुत ही चले हैं और चलते भी है। डिकॉक और मिलर को हम आसानी चलते हुए आईपीएल में देखते हैं, साथ ही साथ क्लाजन ने भी इस साल एक शतक लगा दिया आरसीबी के खिलाफ आईपीएल में। तो उस हिसाब से जो है नज़र आ रहा है कि आईपीएल में जो है ये बैट्समैन काफ़ी चलते हैं। और गेंदबाजों की अगर मैं बात करूँ तो रबाडा और नौरखिया भी इंडियन विकेट्स पे जो है विकेट लेने का मादा रखते हैं, विकेट्स पे मतलब पिच पे विकेट्स लेने का मादा रखते हैं। तो उन सबको ये पिचेस भी मालूम हो चुके हैं अब और किस तरीके से इन पिचों पर खेलना है, और काफ़ी पसंद है उनको इस इन पिचों पर खेलना। तो उस हिसाब से जो है मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है साउथ अफ्रीका आने तरीके से घातक हो सकती है। उनके साथ 5 नवंबर को कोलकाता में मैच होने वाला है ईडन गार्डन के मैदान पे। अब देखिए आने वाले समय में हमें पता चल ही जाएगा कि साउथ अफ्रीका जीतेगी या फिर इंडिया। 4 पे जो टीम आती है वो आती है इंग्लैंड क्रिकेट टीम। अब इंग्लैंड क्रिकेट टीम के साथ जो है 29 अक्टूबर को जो है लखनऊ में मैच होने वाला है एंड ये मैच भी बहुत बढ़िया होने वाला है। अब लास्ट वर्ल्ड कप में जो है वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भी उन्होंने हमें हराया, छोड़ दीजिए वो तो T20 की बात हुई, लेकिन ओडीआई वर्ल्ड कप 2019 में भी उन्होंने हमें हराया था उनके घर पे। तो अब बार ये बदला लेने की, ये हमारा घर है और हमारे घर पे हमें इंग्लैंड को हराना है। अब देखते हैं किस तरीके से खेलेंगे, लेकिन ये स्ट्रांगेस्ट टीम है क्योंकि बटलर हो या चाहे आप किसी को भी मान लीजिए, बटलर हो गए, साथ ही साथ लिविंगस्टन हो गए, साथ ही साथ गेंदबाजी में अगर आप बात करेंगे आर्चर हो गए, ये जो है ना इंडिया में आके बहुत चलते हैं एंड इनके जो प्रभाव है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ता है इंडिया में आके। उस हिसाब से भी अगर आप बात करेंगे, और स्पेशली ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ बता रहा हूँ कि इंडिया में चलते हैं मतलब चलती है, यहाँ पर जो है ना इनके पास बहुत बढ़िया बढ़िया बैट्समैन है, चाहे मलान हो गया, मोइन अली जैसे ऑलराउंडर, वो तो इंडिया में आके बहुत ही चलते हैं। तो इस तरीके से जो है ये टीम हमें जो है टफ दे सकती है इन द वर्ल्ड कप 2030। 3 टीम की ओर बढ़ते हैं। 3 पे जो टीम आती है वो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जो है 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के मैदान पे उनके साथ जो है हमारा मैच खेला जाएगा और पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप में काफ़ी घातक हो जाती है। हमें पिछले कुछ सालों में जो है T20 वर्ल्ड कप में हो गया, एशिया कप में हो गया, पाकिस्तान हमें काफ़ी ज़्यादा हरा रही है। तो उस हिसाब से जो है पाकिस्तान हमारी थोड़ी सी नाजुक नस को पकड़ना जान रही है एंड अगर उन्होंने वो जान लिया इस बार भी तो वो हमें शायद हरा सकती है। स्पेशली इनके जो बैट्समैन एंड इनके जो बॉलर है वो इंडिया के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा चलते हैं। शाहीन शाफरीदी हो गया या फिर अब किसी भी गेंदबाज को मान लीजिए, इंडियन बैट्समैन जो है इनके सामने आउट होती है। KL राहुल, रोहित शर्मा ये इनके सामने आउट होते ही होते हैं, हैरिस राउत के सामने आउट हो जाते हैं। तो इस हिसाब से जो है स्पेशली अहमदाबाद जो है वो थोड़ा सा मतलब अच्छा ग्राउंड है पेसर्स के लिए भी। तो उस हिसाब से जो है इंडिया के लिए एक टफ चैलेंज होने वाला है वो होने वाला है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम। 2 क्रिकेट टीम की बात करूँ तो वो है न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम। बिल्कुल इनके साथ जो है 22 अक्टूबर को धर्मशाला में जो है हमें मैच देखने को मिलेगा ठंडी वादियों में, और ठंडी वादियाँ यानी कि हवा, और हवा यानी कि ट्रेन बोल एंड टीम सऊदी हमेशा की तरह कहीं उड़ाना ले जाए ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जहाँ पर स्विंग होती है वहाँ पर ट्रेन बोल एंड टीम सऊदी चल ही जाते हैं। और स्पेशली मुझे तो ये डर लग रहा है कि केन विलियम्स अगर वापस आ गए तो इंडिया के खिलाफ जो है उनका नॉकआउट में भी और वर्ल्ड कप में भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन है, वो रन बनाती है इंडिया के खिलाफ, और स्पेशली उनको जो है इंडियन पिचेस का भी थोड़ा सा मतलब ज्ञान है और थोड़ा सा मतलब वो खेलते हैं इंडियन पिचेस पे बहुत बढ़िया तरीके से। तो उस हिसाब से जो है ये भी बहुत बढ़िया तरीके से हमें नज़र आ सकते हैं, इनकी टीम जो है वो नज़र आ सकती है इंडिया के खिलाफ, ये थोड़ी टफ दे सकती है हमें। स्पेशली खतरा ट्रेन बोल एंड टीम साउथी से, क्योंकि वो विकेट टेकर बन जाते हैं, हमेशा ही विकेट टेकर बन जाते हैं अगेंस्ट टीम इंडियाज बैट्समैन हमारे जो बैट्समैन है ट्रेन बोल जो है वो विराट कोहली को आउट कर सकते हैं, वो KL राहुल को आउट कर सकते हैं, वो रोहित शर्मा को आउट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से थोड़ा सा डर
सकता है इनके गेंदबाजों से। बाकी ठीक ठाक है बैटिंग में, उतना कुछ न्यूजीलैंड हमारे सामने जो है कर नहीं पाएगी, लेकिन फिर भी बॉलिंग बहुत ही खतरनाक है न्यूजीलैंड की, तो ये टीम जो है हमें थोड़ी सी टफ दे सकती है। एंड फाइनली नंबर वन पे जो टीम आती है वो है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया जो है हमें पहले से ही ODI में बहुत ज़्यादा हराती आ रही है। जो पहली ODI सीरीज हुई इस साल की हमारी ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसमें भी उन्होंने हमें 2-1 से हरा दिया। स्पेशली वो इंडिया में ही थी ये मैं बात कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से जो है ऑस्ट्रेलिया चाहे इंडिया में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो, अगर उनको जो है विकेट्स मिल जाते हैं उनके गेंदबाजों को अगेंस्ट टीम इंडियन बैट्समैन्स, तो फिर वो बहुत आक्रामक हो जाते हैं। इनके पास खतरनाक पेसर है, पैट कमिंस है, मिचेल स्टार्क है, बहुत डेंजरस गेंदबाज है, हेजलवुड है जो कि इंडियन पिचेस पे खेल चुके हैं। अब ऐसे गेंदबाज अगर यहाँ पर चल जाते हैं तो टीम इंडिया को बहुत दिक्कत हो सकती है। और बैट्समैन स्मिथ तो इनके सामने चलते ही है, बहुत बढ़िया तरीके से चलते हैं। डेविड वार्नर को भी एक्सपीरियंस है इंडियन पिचों का, तो वो भी यहाँ पर चल सकते हैं इस तरीके से जो है। कैमरॉन ग्रीन, स्पेशली कैमरॉन ग्रीन का मैं नाम लेना चाहूँगा, बिकॉज उनका ये पहला ही साल है, लेकिन वो टेस्ट में भी खेल लेते हैं, T20 में भी खेल लेते हैं, और ODI में भी उनका अच्छा फॉर्म रहता है, और स्पेशली वो यहाँ पर खेल चुके हैं इंडिया में। IPL में उन्होंने काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया, उन्होंने एक शतक भी लगाया वानखेड़े के स्टेडियम पर। अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो है टीम इंडिया उन्हें हैंडल करने वाली है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे घातक टीम हो सकती है, अगर कोई हराएगा तो ऑस्ट्रेलिया हमें हरा सकती है। इनके साथ जो है October 8 को चेन्नई में मैच खेला जाएगा, और चेन्नई में जो है ODI सीरीज का लास्ट मैच भी खेला गया था इस साल के जब स्टार्टिंग में फरवरी में ही, तो वहाँ पर जो चेन्नई में लास्ट मैच खेला गया था, तो वहाँ पर भी हम ऑस्ट्रेलिया के साथ हार गए थे। तो वहाँ पर स्पिन टू विन होता है, और वहाँ पर जो है शायद झांपा ने ज़्यादा विकेट्स ली थी, तो उस हिसाब से जो है ऑस्ट्रेलियन टीम हमारे सामने काफ़ी टफ दिखते हैं। लेकिन मैं तो इंडिया को सपोर्ट कर रहा हूँ, और मुझे तो ऐसा लगता है कि इंडिया जीतेगी, लेकिन टफ देने वाली जो टीमें हैं मैंने आपको बता दी कि ये हमें थोड़ा सा खतरा बन सकती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया इनके सामने जीत पाएगी या नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।